जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब बहाल होगा और सूबे में कब चुनाव कराए जाएंगे? जम्मू कश्मीर से जुड़े इन सवालों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार है। जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट भी तैयार हो चुकी है। पहले पंचायत चुनाव होंगे, चुनाव की तारीखों पर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने कहा कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा कब बहाल होगा अभी बता नहीं सकते। केंद्र सरकार के मुताबिक अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 45% से ज्यादा कमी आई है, वहीं घुसपैठ की घटनाओं में 90% की कमी हुई है। केंद्र सरकार के दलीलों पर महबूबा मुफ्ती की पीडीपी का पक्ष भी सुन लीजिए। हम बात करते थे कि जम्मू कश्मीर के मसले की हल की बात कीजिए, स्टेट का दर्जा छीन लिया, फिर यूटी बना दिया, फिर इलेक्शंस नहीं कराए, तो ये चाहते हैं कि गोल पोस्ट चेंज हो, कि हम लोग इस हालत में आ जाएं कि हम उनको बोलें जनाब आप जैसे तैसे आप इलेक्शन कर दो, बाकी छोड़ दो।